बिल्कुल पानी है इसका, कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड है। उनके ट्यूटोरियल देख के वो काफी यूज करती थी, मैंने खरीदा था। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, फेस पे भी लगाओगे ना ऐसा लगेगा आपने कोई बॉडी का पाउडर अपने फेस के ऊपर लगा लिया। आई डोंट नो व्हाई ब्रांड्स प्रोडक्ट बनाते समय अपनी पैकेजिंग पे क्यों नहीं फोकस करते, तो प्राइमर बोलना बहुत गलत होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेकअप फेल्स प्रोडक्ट्स, बेसिकली दैट फेल्ड ऑन मी इन द मेकअप कैटेगरी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बॉक्स पूरा भरा हुआ है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ये कर रही हूँ। आई थिंक अपने यूट्यूब जर्नी में मैंने कभी मेकअप फेल्स की वीडियो नहीं बनाई, स्किन केयर फेल्स में बनाती रहती हूँ कि कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे लिए वर्क नहीं किए। आज मैं मेकअप की बात करने वाली हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर मैं आपको अच्छी चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए वर्क किया है, तो आई थिंक मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करी। और उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैंने एक बार यूज करके रिजेक्ट कर दिया, मैंने इनको मल्टीपल चांसेस दिए। सेम डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ जो मैं अपने स्किन केयर फेल्स में भी देती हूँ। इस वीडियो के थ्रू मेरा मोटिव नहीं है किसी ब्रांड को बैश करना, उसको बुरा बुरा बोलना, मैं खाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ कि ये मेरे लिए वर्क नहीं करे। यू गाइस नो मैं ब्रांड बैशिंग में बिलीव नहीं करती, एक ब्रांड खड़ी करने में बहुत मेहनत लगती है, सो आई रिस्पेक्ट ऑल द ब्रांड्स ट्रूली। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप नए आए हो प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को हिट कर देना, एंड नाउ लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं सबसे हाइप्ड इंटरनेशनल प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज जब ये ब्रांड लॉन्च हुई थी नायका पे सबसे जो हाइप प्रोडक्ट था वो यही था। ये है एल्फ का पोरलेस पट्टी प्राइमर, एंड दिस हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने कोशिश करी है इसको थोड़ा बहुत यूज करके ट्राई करने की, ऐसे यूज करती हूँ ऐसे यूज करती हूँ शायद वर्क कर जाए, बट ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्राइमर बोलना ही नहीं चाहिए, दे कॉल इट पोरलेस प्राइमर। ये पोर्स पे बिल्कुल वर्क नहीं करता है, बिल्कुल भी आपके पोर्स को कवर नहीं करेगा। इससे अच्छा आपका इन साइड ब्लू हेवन के जो 200-250 रुपए के सिलिकॉन प्राइमर्स होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा आपके पोर्स को फिल करते हैं। इट्स मोर लाइक अ मॉइस्चराइजर जो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, दैट्स इट। सो इसको प्राइमर बोलना बहुत गलत होगा। मैंने इसको एज अ बेस मॉइस्चराइजर भी यूज करने की कोशिश करी विंटर्स में, बिकॉज विंटर्स में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, बट तभी भी ना कुछ अजीब है, मतलब इसका फॉर्मूला बड़ा थिक थिक सा है, बहुत अजीब है। एक सिमिलर प्राइमर अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगी जिसका बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला है, वो है लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। आप मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देख चुके होंगे उसका फॉर्मूला, उसका जो कंसिस्टेंसी है इसके जैसी फील होती है, लेकिन वो एटलीस्ट आपके पोर्स को फिल करता है, कहीं ना कहीं एक स्मूथनिंग इफेक्ट देता है। ये हावर बिल्कुल वर्क नहीं करता। और इंटरनेशनल से आ जाते हैं सीधा वेरी वेरी अफोर्डेबल इंडियन ब्रांड जो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स। आजकल स्विस ब्यूटी, इनसाइड ब्लू हेवन का पूरा एक वो चल रहा है, मतलब इन्होंने लॉरियल मेबलिन को कहीं ना कहीं ओवरटेक कर दिया है। और इसके बारे भी काफी बात हो रही है जो है इनसाइड का 2x कवर मास्टर कंसीलर। मैं रिसेंटली श्रेया जैन का रिव्यू देखा था, शी लव्ड इट, आई ट्रस्ट हर रिव्यूज, तो कहीं ना कहीं आई थिंक उनकी ड्राई स्किन पर वर्क कर रहा है। बट एक जो चीज का फर्क है, उनकी स्किन कहीं ना कहीं क्लियर है, ऑब्वियसली उनको एक्ने इतने नहीं है, उनको इतने मार्क्स नहीं है, पिगमेंटेशन आई डोंट थिंक उनके फेस पे इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है, तो आई थिंक उनको ये अच्छे कवरेज दे रहा है। तो अगर आपकी स्किन ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है या फिर आपकी स्किन पे इतनी ज्यादा इश्यूज नहीं है ना, तो शायद ये कंसीलर वर्क कर जाएगा। लेकिन मेरी बहुत ज्यादा, आप जानते हो मुझे एक्ने के मार्क्स हैं, रेडनेस कहीं ना कहीं रहती है, ये कुछ भी नहीं करता, इट्स लिटरली यूजलेस। सो इससे अच्छा आप 100 या फिर आई थिंक 50 रुपए और लगा के स्विस ब्यूटी का कंसीलर आता है वो ले लो, वो ज्यादा अच्छी कवरेज देगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ इसका, मतलब आई डोंट नो, मैंने अमेजोन का एक वो ही बनाया था हाई मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजोन, आई थिंक मैंने उसमें ही टेस्ट करके दिखाया था, आप देख सकते हो इतना कोई फर्क ही नहीं है, ये बिल्कुल स्किन में चला जाता है, इसकी बिल्कुल कवरेज नहीं है। 2x मास्टर तो इसकी कहीं से भी कवरेज नहीं है। सेकंड प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड इनसाइड, ये इनसाइड का अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, अगेन काफी हाइप में चल रहा है आजकल, बहुत लोग कहते हैं कि ये अफोर्डेबल में सबसे बेस्ट फाउंडेशन है। ये मैंने दो आपको यूट्यूब वीडियोस में भी ट्राई करके दिखाया हुआ है, दिस इज नॉट गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग ही सबसे बड़ा फेल है, इन्होंने ऐसी ड्रॉपर पैकेजिंग बना तो दी है लेकिन इसमें से बिल्कुल भी प्रोडक्ट, ये देखो ऐसे मैं कर रही हूँ, आई एम टेकिंग लॉट ऑफ पम्प्स राइट हियर, और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँ आता ही नहीं है कुछ, जबकि बॉटल पूरी भरी हुई है। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग कम्प्लीटली फेल है, इनको या तो पंप पैकेजिंग बनानी चाहिए थी। सेकंड, ये अपना आपको अल्ट्रा थिन तो बोलता है लेकिन ये सेकंड स्किन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये सेकंड स्किन वाली फील नहीं देता। आई कैन फील इट कि मेरे स्किन पर बहुत अजीब सा एक लेयर बना रहा है, ब्लेंड नहीं हो रहा। अगर मैं इसको और एक बेटर बिल्डेबल बनाना चाहती हूँ कि मेरे एक्ने मार्क्स कवर हो जाएं, तो वो भी इससे कवर नहीं होते। आई जस्ट शो यू द स्वॉच, इस फाउंडेशन शेड का नाम है 03 सन बेज, इनके शेड रेंज भी काफी कम आती है, सो वो भी थोड़ा सा बमर है, बट दिस इज हाउ द फाउंडेशन लुक्स लाइक। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, अगेन ऑलमोस्ट आपकी फ्लॉलेस स्किन है तो चल जाता है, लेकिन जो बम्पी स्किन होती है कहीं ना कहीं, यहाँ पे एक्ने के बम्स आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, अगर मैं इस एरिया में इस फाउंडेशन को लगाऊंगी ना, ये इतना बुरा क्रैक होता है, बहुत अजीब सा पैची पैची दिखता है। अगेन फॉर द सेक ऑफ अफोर्डेबल मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, हाउएवर आई विल से कि 100-200 रुपए और लगा लो, मेबलिन का फिट मी ले लो, सुपर स्टे ले लो, वो कहीं ना कहीं आपको बेटर कवरेज देगा और एटलीस्ट आपकी स्किन के ऊपर फटाफट आने लगेगा। सो दिस इज अगेन
करना फेल फॉर मी. आई हैव अनदर फाउंडेशन जो लिटरली इसकी बड़ी बहन आप बोल सकते हो, बिकॉज ये भी ड्रॉपर पैकेजिंग में आता है, ये भी अपने आपको सेकंड स्किन बोलता है. और ये जो फेस स्कैंडा का अल्टाइन प्रो सेकंड स्किन फाउंडेशन है वो भी कुछ सिमिलर दिखता है, थोड़ा सा बड़ा है, सो इसकी बड़ी बहन आप बोल सकते हो. इस ये जो है बेसिकली एक सीरम इन्फ्यूज फाउंडेशन है, एंड यू कैन सी इसका सीरम आपको अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर की साइड पानी पानी है. सो इसकी बॉटल पे लिखा ही है कि आपको उसको बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे करके शेक करना पड़ता है सो दैट सीरम कहीं ना कहीं इन्फ्यूज हो जाए. माई मेन इशू विद दिस फाउंडेशन इज ये बहुत ज्यादा ग्रीसी है, बहुत ज्यादा डूई है, एक्सट्रीमली डूई है. सो आई थिंक जब तक आपकी सहारा डेजर्ट वाली स्किन नहीं होगी ना, आई डोंट थिंक आपको ये यूज करना चाहिए. हल्की सी भी कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन पे इतना ज्यादा ग्रीसी दिखता है ना. दो ये सेकंड स्किन है, ये अपने आपको क्लेम करता है, एटलीस्ट इनसाइड वाले से ये बेटर है. इसका ड्रॉपर भी ठीक है, एटलीस्ट फाउंडेशन अच्छा निकलता तो है. कैन यू सी इसका ड्रॉपर से एटलीस्ट फाउंडेशन बिल्कुल सही निकल रहा है. बट द थिंग इज बहुत पतला है और बहुत ज्यादा डूई है, शाइनी फाउंडेशन है. इसको लिटरली मुझे इतना ज्यादा सेट करना पड़ता था. मैंने इसको एक बार यूज किया, दो बार यूज किया, नहीं वर्क किया. विंटर में काफी बार इसको थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ एज अ बीबी क्रीम. सो अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है शायद आपके ऊपर वर्क कर जाए, बट अगर आपकी कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन है आई थिंक आपको इस फाउंडेशन से दूर रहना चाहिए. इतना शाइनी और डूई फाउंडेशन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. नाउ कमिंग टू purple.com मेकअप, वैसे मेरे पास ज्यादा पर्पल का मेकअप नहीं है बिकॉज मैं इतना एक्टिवली उनके साथ काम नहीं करती. आई डोंट नो व्हाई मुझे इतने प्रोडक्ट्स उनके अट्रैक्ट नहीं करते, तो मैं कभी कभी काम कर लेती हूँ. तो मेरे पास एक बार मैंने उनकी वैलेंटाइन लुक के लिए कोलैबोरेट किया था, काफी सारा मेकअप मेरे पास आया था. तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं. सबसे पहले है ये NYBAE का ब्लिस आई लाइनर. NYBAE का काजल मुझे काफी पसंद है, मैंने बहुत बार under 99 के प्रोडक्ट्स में रिकमेंड भी किया, बहुत अच्छा है. बिग एप्पल ऑफ माई आई समथिंग का काजल है, सस्ता है और अच्छा भी है. बट दिस आई लाइनर इज अ टोटल फ्लॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग काफी बुरी है, जस्ट लुक एट दिस. जैसे नेल पेंट वाली पैकेजिंग में तो चलो आता ही आता है, वो तो कोई इशू नहीं है, बट इसकी जो ये लेंथ है यू कैन सी इतनी छोटी इसकी ब्रश लेंथ है. आप सोचो मेरी हुडेड आइज, मैं स्पेक्स पहनती हूँ, काफी लड़कियों की हुडेड होती हैं, आप अंदर की तरफ लाइनर लगा रहे हो और ये इतनी छोटी है ना कि ये चीज आपकी आइज पर लग रही होती है, आपका लाइनर स्मूथली नहीं लगता. आई डोंट नो व्हाई ब्रांड्स प्रोडक्ट बनाते समय अपनी पैकेजिंग पे क्यों नहीं फोकस करते कि अपनी पैकेजिंग को ऐसा रखे कि चीज लगानी आसान हो. देयर इज अ रीजन व्हाई मैं आपको ईबा हलाल का लिक्विड आई लाइनर क्यों सजेस्ट करती हूँ. उसकी जो स्टिक है ना वो इतनी लंबी है, आप लिटरली अपना हाथ यहाँ पर फिक्स करके ऐसे एक लाइन बना सकते हो. सो पैकेजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है. मुझे इसकी पैकेजिंग बिल्कुल नहीं पसंद, ये तो हो गई. और इसका ब्रश भी काफी अजीब सा नेल पेंट जैसा ब्रश है. दो इसकी कंसिस्टेंसी सही है बिल्कुल, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतना बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, लाइनर काम कर जाता है. बट फॉर द पैकेजिंग मैं बिल्कुल भी इसको यूज नहीं कर पाती. जब मैं चीज अप्लाई ही ठीक से नहीं कर पा रही तो प्रोडक्ट को लगाना तो दूर की बात है. सेकंड जो purple.com का प्रोडक्ट है वो है स्टे क्वर्की का सेक्सी आईज 9 pan आई शेडो पैलेट. दिस इज हाउ द आई शेडो पैलेट लुक्स लाइक. कलर्स भी इसके काफी सही मुझे लगे, बट अगेन ये मैंने यूज नहीं किया है, ये गिरते ही शैटर हो गया था. और ऐसा भी है कि ऐसे बहुत तेज गिरा हो, मेरे बहुत सारे आई शेडो पैलेट मेरे हाथ से गिर जाते हैं काम करते हुए. बन में ये हल्का सा ऐसे गिरा था और शैटर हो गया था लिटरली. ये वाला कलर पूरा निकल गया था और उसके बाद भी ना ये वाले कलर ऐसे अजीब से गिरते रहते हैं, एक पैन पूरा निकल गया था. तो मैं प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है ना उसी की मेन कंप्लेंट कर रही हूँ. अदरवाइज जो पिगमेंट है वो ठीक ठाक है, वो इतने वाव नहीं, आप देख सकते हो मैंने यूज करे हुए हैं. बट इनको ना बहुत ज्यादा रब करोगे ना तब जाके पिगमेंट आता है, वो ना स्टे नहीं करता. मैंने जब भी ये पैलेट यूज किया ना आई फेल्ट इनका पिगमेंट इतने अच्छे से स्टे नहीं करता, बहुत जल्दी ऐसे ब्लर आउट सा हो जाता है. सो आई थिंक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मार्स के पैलेट्स मिलेंगे, मार्स के पैलेट्स बहुत सही हैं, आप वो ले सकते हो. ये स्टेक होगी ये पैलेट मुझे इतने वाव नहीं लगे, आई थिंक नॉट वर्थ योर मनी. नेक्स्ट अप हैव समथिंग फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, काफी फेमस ही उनका प्रोडक्ट है ये, उनका कलर आइकॉन ब्लश जो आई थिंक बहुत कम मिल रहा है, पहले बहुत ज्यादा फेमस था, काफी कम हो चुका है ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पूरा शैटर्ड आया था मेरे पास, ये मैंने हॉक मेकअप से ऑर्डर किया था तो पूरा ना शैटर हो गया था. तो मैंने इसको स्प्रेड करके जो रबिंग एल्कोहल होती है वो डाल के उसको सेट किया. मैं बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स को भी सैनिटाइज करती हूँ रबिंग एल्कोहल से, उनके पिगमेंटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो वो मैं अश्योर कर सकती हूँ कि रबिंग एल्कोहल की वजह से इसकी पिगमेंटेशन कम नहीं हुई है. सो जो ब्लशर है ना ये लिटरली गायब ब्लशर है बिकॉज इसका पिंक कलर आता ही नहीं है. ये आपको कलर जो दिख रहा है ना ये आपकी चीक्स पर आएगा ही नहीं, आपकी चीक्स पर आएगा एक शिमर अजीब सा हाइलाइटर जैसा फील होगा. कैन यू सी आपको कहीं से भी दिख रहा है ब्लश मेरे हाथों में, मैंने कितना रगड़ा है, मतलब मैं इसको कितना भी ऐसे ऐसे करके रगड़ती रहूं आई एम लिटरली रबिंग इट वेरी हार्ड. लिटरली ओनली थिंग आई कैन सी इन माय हैंड इज शिमर पार्टिकल्स, नथिंग एल्स. कोई भी पिंक कलर मेरे हाथों पर आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा होगा. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको ब्लश क्यों बोलते हैं, इसको हाइलाइटर बोल के उनको सेल करना चाहिए. सो यार दिस वन इज अगेन अ बिग फेल फॉर मी. नेक्स्ट मेकअप फेल फ्रॉम द ब्रांड एलेटीन. मैंने एक नायका का मेकअप चैलेंज समथिंग बनाया था under 100 rupees मेकअप चैलेंज, जो पूरी लुक क्रिएट करनी होती है. तो मैंने तभी ऑर्डर किया था, खाली 100 rupees का एक्जैक्टली. लास्टिंग ग्लो कॉम्पैक्ट है ये, पर्ल इसका शेड है ये कॉम्पैक्ट, तो मैं इसको बोलूंगी नहीं, आप इसको बॉडी का पाउडर बोल सकते हो, वो भी नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं करता यार. लेट मी जस्ट पिक इट अप विद माय हैंड्स. एक तो व्हाइट कलर का, लाइक कहां से पर्ल लग रहा है, ये पर्ल तो कहीं से भी लग रहा है, इतना बिल्कुल स्ट्रेट अप व्हाइट कलर का अजीब सा कॉम्पैक्ट है. और इफ आई एम रबिंग इट ऑन माई हैंड जस्ट सी,
कैन यू सी कितना मैंने रगड़ा, कोई भी आया ही नहीं हाथ पे, बहुत अजीब सा पाउडर पाउडर सा, इसको अपने फेस पे भी लगाओगे ना ऐसा लगेगा आपने कोई बॉडी का पाउडर अपने फेस के ऊपर लगा लिया, नॉट ऑल गुड। आपको 150-200 रुपीज़ में मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट मिल जाता है, लैक्मे कॉम्पैक्ट मिल जाते हैं, और भी अच्छी ब्रांड्स के आपको कॉम्पैक्ट मिल जाते हैं, सो मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। अब मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ, जस्ट इफ इन केस यू वांट नो कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ ऐसे यूजलेस कॉम्पैक्ट्स को, मैं इनको अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लेती हूँ, बैक पे अप्लाई कर लेती हूँ, जैसे पाउडरी से लगते हैं। जब भी आप कोई वेडिंग मेकअप करते हो या फिर कोई भी फंक्शन में जाना होता है, आपके अंडर आर्म्स थोड़े से विजिबल होते हैं, स्लीवलेस आपने पहना होता है, थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे स्वेटिंग हो जाती है, फिर वो डार्क डार्क थोड़े से हो जाते हैं, तो कहने की उसकी पिगमेंटेशन कम हो जाती है ऐसे पाउडर से, प्लस आपको स्वेटिंग भी कम से कम होती है, बिकॉज अगेन कॉम्पैक्ट का काम यही होता है स्वेट को कंट्रोल करना। तो मैं इसको आजकल अपने बैक और अंडर आर्म्स पे ऐसे यूज करके खत्म कर रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं तो इनको यूज करना है यार। नेक्स्ट मेकअप फेल इज फ्रॉम द ब्रांड शुगर, मैंने इतनी हाई होप से लिया था, एक टाइम महंगा इतना था, ऊपर से इतनी हाई होप से लिया था, कंप्लीटली फेल हो गया। एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, नहीं ये कंप्लीट फेल है, मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ। ये शुगर का आर्च अराइवल ब्राउ पाउडर 04 फेलिक्स ऑनिक्स इसका शेड नेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग ही खराब है, इन्होंने ब्राउ पाउडर बनाया है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, जो ऐसे आईलाइनर सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आता है। सो अगर आपने बहुत जल्दी में खोल दिया, आपके रेडी हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं, आपने ऐसा झटका मारा, तो यहाँ पे सारा जो पाउडर है वो ऐसे निकल जाता है, यहाँ से ऐसे उड़ने लग जाता है, उसके बाद चलो ठीक है वो तो चलो निकल गया, जो गिर गया वो तो वेस्ट हो गया, उसके बाद जो आप इसको इतना ध्यान से भी अप्लाई करोगे ना, लाइक मैं इतना भी अगर लेके जाऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा आ गया, बट आई कैन डेफिनेटली बेट यहाँ पे पाउडर गिरा होगा। मैं अगर अभी मिरर देखूंगी ना, मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ ये इसका पाउडर गिरता ही गिरता है। या सी आई डोंट नो, कैन यू सी, ये सारा मैंने अभी कितना ध्यान से लगाया ना, मैंने बिल्कुल भी बहुत ज्यादा प्रेशर या जल्दी जल्दी में नहीं लगाया, स्टिल ये पाउडर गिरा, यहाँ पे मेस क्रिएट हुआ। अब मैं इसको साफ करूंगी, मेरा मेकअप फिर रुइन हो जाएगा। सो काफी वेस्ट ये प्रोडक्ट है, मैंने आई थिंक किसी एक यूट्यूबर का देखा था, शुगर कॉस्मेटिक्स पे वो काफी वीडियोज बनाती है, उनके ट्यूटोरियल देख के वो काफी यूज करती थी, मैंने खरीदा था, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, अमेजोन से लिया था 499 रुपीज़ का, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आई वोंट रिकमेंडेड। अगर वो इसको पाउडर फॉर्म में ना बना के थोड़ा सा जेल बेस्ड या थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाते ना, शायद ईजी रहता, बट ऐसा पाउडर प्रोडक्ट बना के और अपने मेकअप को खराब मैं नहीं करना चाहती, सो दिस वन इज अ नो नो फॉर मी। मैंने इस साइड भी ब्राउ पाउडर लगा लिया, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा लग गया था आपको दिखाने के चक्कर में, सो हटाने की बजाय मैंने इवन आउट कर दिया, और अब मेरी ब्राउज बहुत अजीब लग रही है। आई डोंट नो व्हाई मैं अपनी ब्राउज ना फिल नहीं करती, मुझे बड़ी भरी भरी सी लगती है, मुझे अपनी नेचुरल ब्राउज ही अच्छी लगती है, सो प्लीज इग्नोर दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन, ये मैंने उस मेकअप चैलेंज के लिए लिया था, ये ब्लू हेवन का स्पार्कलिंग आई लाइनर, बड़ा प्यारा एकदम लैवेंडर पर्पलिश सॉर्ट ऑफ अंडरटोन का ये आई लाइनर है, बट ये बिल्कुल भी आई लाइनर की तरह मतलब वर्क ही नहीं करता, इसको उनको बोलना चाहिए ग्लिटर, जस्ट आई ग्लिटर, बिकॉज अगर मैं इसको अभी लगा रही हूँ ना, यू कैन सी हल्का फुल्का आपको शायद एक सिल्वर टोन दिख रहा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं आईलेट्स खोलूंगी थोड़ी देर बाद ही अपने आप मर्ज हो जाता है, और खाली आपके आईज पर जो बचता है वो ये स्पार्कल, सो खाली आपकी आइस पर ही ऐसा स्पार्कल स्पार्कल टाइप दिखेगा, जो आई डोंट नो व्हाई मेरा कैमरा पिक कर रहा है नहीं कर रहा, ये बहुत हल्का हल्का दिखेगा। सो अगर आपको अपनी आईलेट्स पर हल्का सा एक स्पार्कली इफेक्ट चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और वो तो आपको कोई भी आई शेडो से मिल जाएगा, तो ये क्यों खरीदना है, बिल्कुल पानी है इसका कंसिस्टेंसी, बिल्कुल लिक्विड है, कोई भी इसकी बिल्कुल वो पिगमेंट नहीं आता, कलर निकल के नहीं आता। मैंने एक मार्स के आई लाइनर का सेट लिया था, जैसे शिमर लाइनर आते हैं उनका कलर फिर भी निकल के आता है, मैं उनको ऐसा आई लाइनर भी लगा लेती हूँ, लेकिन इसका बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। नेक्स्ट आई हैव अ लिपस्टिक फ्रॉम द ब्रांड मेबलिन, और काफी हाइप में लिपस्टिक, मैं भी काफी बार इसको यूज कर लेती हूँ, मैं इसको बिल्कुल नो कैटेगरी में नहीं डालूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेकअप फेल ही है एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, बिकॉज ये जो सुपर स्टे मैटिंग है ना, ये बहुत ज्यादा सुपर स्टे तो है ही, लेकिन ये ऐसी स्टे हो जाती है ना कि आपके लिप्स क्रैक होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिप्स को ये ड्राई कर देती है। सो अगर आप उसको लेना चाहते हो, इसके शेड रेंज अच्छे हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, लेकिन आपके लिप्स बहुत ज्यादा चापी चापी बना देगी, सो यू हैव टू कैरी अ लिप बाम विद दिस, अदरवाइज ये ठीक लिपस्टिक है, मैं इतना बुरा नहीं बोलूंगी, बट अगेन मैं एक लिपस्टिक लगा रही हूँ, मेरे लिप्स एक्सट्रीमली चापी हो गए, फिर जब मैं हटाने जाती हूँ वो हटते भी नहीं है, उसको ऑयल क्लेंजर से हटाना पड़ता है, बार माइसलर वाटर से रिमूव होता है, नॉर्मल आपके टिश्यू पेपर से नहीं हटने वाली। सो ये सुपर स्टे तो है, अगर आपको शौक है कि आप एक बार लिपस्टिक लगा लो और फिर टचअप ही मत करो, आपके लिप्स क्रैक होते रहे फटते रहे आपको चलेगा, तो आप ये ले सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू बाय अ लिप बाम विद दिस एज वेल। अदरवाइज मार्केट में आपको बहुत सारी ना इसी प्राइस रेंज में आपको लिपस्टिक्स मिल जाएंगे जो कंफर्टेबल होती है, कहीं ना आपके लिप्स क्रैक नहीं होते, सो दीज सुपर स्टे मैटिंग रेंज इज अ काइंड ऑफ नो नो फॉर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मुझे कहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने वो कहाँ रख दिया, लेकिन मेरे मेकअप फेल्स की लिस्ट में वो पहले से ही था, जो है ये स्विस
ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी। बिल्कुल भी अच्छा स्प्रे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्मेल्स लाइक अल्कोहल सैनिटाइजर, अजीब सी इसकी स्मेल है। ये स्किन पे चीजी और मतलब जलन जैसा फील होता है, एटलीस्ट मेरी एक्ने प्रोन स्किन पे वैसा फील होता है। काफी अफोर्डेबल, बहुत लोग रिकमेंड भी करते हैं, बट आई थिंक 100-200 और लगा लो, कोई अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे ले लो यार। निक्स का मिल जाता है आपको, वेट एंड वाइल्ड का मिल जाता है, जो काफी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में आपको मेकअप सेटिंग स्प्रे दे रहे हैं। मेबलिन का भी आ गया अब, एक जो लास्टिंग फिक्स समथिंग करके आता है, लेकिन ये स्विस ब्यूटी का बहुत ही बुरा है। सो एक्ने प्रोन स्किन वाले जिनकी स्किन सेंसिटिव है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, नॉट एट ऑल। लास्ट प्रोडक्ट भी मैंने आपको लास्ट ईयर के जब प्रोडक्ट एमटीज की वीडियो दिखाई थी, मैंने उसमें दिखाया था, उसके बाद मैंने वो थ्रो कर दिया था, बट वो मेरे मेकअप फेल्स का पार्ट है, जो है ये नायका के कॉम्पैक्ट। जब ये लॉन्च हुए थे मेरे पास पीआर आया था, 4 से 5 शेड्स मेरे पास आए थे, मैंने पूरा शेड रेंज दिखाया था, मैंने एक शॉर्ट रील भी बनाई थी, बिकॉज मुझे तब ये काफी पसंद आए थे। ये जेन्युइनली बहुत अच्छे कॉम्पैक्ट हैं, जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको कवरेज दे रहे हैं, ऑयल कंट्रोल भी करते हैं, शेड रेंज इनकी बहुत अच्छी है, आपको अपने स्किन टोन के अराउंड शेड के अराउंड आपको मिल जाएगा आपका कॉम्पैक्ट वाला शेड। बट ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। हम कॉम्पैक्ट कब यूज करते हैं? जब हम ट्रैवल करते हैं, मेकअप बैग अपने ट्रैवल बैग में रखते हैं, अपने हैंड बैग में रखते हैं, ये बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। पहले मेरा एक कॉम्पैक्ट क्रैक हुआ जब मैं बैग में लेके गई थी, ना मेरा बैग गिरा ना इतना कोई हिला, पता नहीं अपने आप उसके अंदर क्रैक हो गया था। चलो ठीक है, फिर मैंने जब सेकंड रखा वो भी क्रैक हो गया, और मेरा थर्ड वाला मतलब घर पे रखे रखे शायद हाथ से हल्का सा ऐसे गिरा होगा और वो क्रैक हो गया। तो मेरे 3 नायका कॉम्पैक्ट लिटरली वेस्ट हो गए पूरे, वो क्रैक हो गए। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। अगेन प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं गलती नहीं है, सबसे ज्यादा पैकेजिंग की गलती है। मुझे पैकेजिंग उनकी सिक्योर नहीं लगती, सो अगर वो अपनी पैकेजिंग पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, थोड़ी और अच्छी सिक्योर पैकेजिंग हो जाएगी, देन वो कॉम्पैक्ट काफी अच्छे हैं, अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट टू यू। एंड विद दिस माय मेकअप फेल्स वीडियो इज ओवर। मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक्स, बिकॉज इनके लिंक्स मैं आपको नहीं दूंगी, बट मुझे आप सबसे सुनना है आपका एक एक मेकअप फेल। कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा मेकअप का जो आपके लिए नहीं वर्क किया होगा, तो प्लीज आप वो शेयर करो नीचे कमेंट सेक्शन में। किसी ब्रांड को बैश नहीं करना, खाली एक प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करना है, या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपको वो बताना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंसेप्ट, सो मेक श्योर यू आर नॉट बैशिंग एनी ब्रांड। क्या पता आपके कमेंट को पढ़िए, किसी और के पैसे बच जाए, उसको कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिले। आई ऑलवेज से कमेंट सेक्शन को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल बनाया करो। इसके अलावा डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम पर गिव अवे चल रहा है, आई एम गिविंग अवे अ वेरी क्यूट ईयरली प्लानर, उसके साथ आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं उस हैम्पर के अंदर, प्लस और भी गिवअवेज आने वाले हैं फ्यूचर में, सो मेक श्योर यू आर फॉलो मी देयर एज वेल। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज टेक अ मोमेंट, प्लीज बोला मैंने, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल और हिट भी कर देना बेल आइकन को। वैसे फायदा नहीं, आजकल नोटिफिकेशन तो जाता नहीं, बट स्टिल हिट करके रख दो यार, क्या ही जा रहा है। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।